दोस्तों अभी तक जो हम लोग अपने फिजिकल डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर मोबाइल फ़ोन में NFC ऑप्शंस का यूज़ कर कर कॉन्टेक्टलेस तरीके से पेमेंट कर पा रहे थे, मीन्स POS मशीन जहां अवेलेबल होता है शॉपिंग मॉल में, या फिर आप कहीं मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हैं या फिर फ्यूल स्टेशन पे आप पेमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक POS मशीन होता है जिसमें आप अपने कार्ड में एक वाईफाई का सिंबल होता है, आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में, सिर्फ आप कार्ड वेव करेंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। सो मैंने वीडियोज भी बनाए थे, ये जाके देख सकते हैं। मोबाइल फोन में भी ऑप्शन आपके होते हैं, NFC ऑप्शन जब मोबाइल में ऑन करेंगे तो आप मोबाइल को सिर्फ टच करते हैं तो आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है। इसी का एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, अपने घड़ी यानी मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके ना डेबिट कार्ड का यूज़ करके सिर्फ आप अपने वॉच को वेव करेंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाए। ये पॉसिबल हो गया कि अपने आप घड़ी जो आप हाथ में पहनते हैं उसी से आप अपने पेमेंट कर सकते हैं, कहीं आपको डेबिट कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं, आपका मोबाइल फ़ोन भी आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका घड़ी आपके हाथ में होगा, POS मशीन में आपको सिर्फ घड़ी को वेव करना है तो आपका इजिली पेमेंट हो जाएगा पेट्रोल पंप या शॉपिंग मॉल में जहाँ भी करें। तो इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे, ये SBI ने पॉसिबल करके दिखाया, इससे पहले SBI ने और भी ऑप्शंस आपको योनो एप्लीकेशन के थ्रू दिए, तो ये न्यू टेक्नोलॉजी अभी लॉन्च की गई रिसेंट में ही योनो एप्लीकेशन के थ्रू ही। पहले इस तरह के न्यू टेक्नोलॉजी में प्राइवेट बैंक आगे होते, लेकिन जब से योनो एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है तो SBI में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ, हमेशा कुछ न्यू ट्राई करते रहते हैं। यहाँ पर रिसेंट में उन्होंने बिना ATM कार्ड के पैसे निकालने की फैसिलिटी, जिसे कस्टमर जो है बिना ATM कार्ड का यूज़ किए ATM से पैसे निकाल सकते हैं, इस पर वीडियोज़ बनाए हुए, आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, अभी तक आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं। उसी को अपग्रेड करते हुए अब बिना आप मोबाइल फ़ोन या फिर ATM कार्ड, सिर्फ अपने वॉच से ही आप पेमेंट कर पाएंगे। इस वीडियो में डिटेल में सारी बातें समझेंगे, कैसे आपको अपने घड़ी को कनेक्ट करना है, क्या कैसे ये काम करेगा, कितने तक का ट्रांजेक्शन आपको करना है और ये सेफ है या नहीं है, सारी बातें जानेंगे। वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पर योनो SBI ने टाइटन के साथ टाइप किया है इस टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल में लाने के लिए। तो यहाँ पर एक मैनुअल बुक हम खोलेंगे, उससे सारी चीज़ें समझेंगे, कैसे आपको कनेक्ट करना है, क्या क्या फीचर्स आपको इसके मिलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टाइटन पे करके यहाँ पर टाइप हुआ है योनो SBI से। यहाँ पर एक आपका POS मशीन रहेगा जो आपके मर्चेंट पे अवेलेबल होता है, जहाँ पे शॉपिंग मॉल या फिर फ्यूल स्टेशन पे अवेलेबल होता है, और एक आपके पास हाथ में एक घड़ी रहेगा। तो ये मैनुअल बुक में देख सकते हैं, यहाँ पर टाइटन पे करके टाइप किया गया है योनो SBI से। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपको मिलेगी, फास्ट, कन्वीनियंस एंड सिक्योर, यानी कि आप जल्द से जल्द पेमेंट कर पाएंगे। कन्वीनियंस भी है क्योंकि इसमें कोई पिन वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ वेब करेंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। और सिक्योर भी है, सिक्योर कैसे आगे देखेंगे सारी चीज़ें कैसे ये सिक्योर है। सबसे पहले आप जान लेते हैं फीचर्स क्या मिलेंगे आपको टाइटन पे में। यहाँ पर टाइटन पे में आप देखिए, पहला है टैब एंड गो, मीन्स आप जब फ्यूल स्टेशन या मर्चेंट आउटलेट पर कुछ शॉपिंग करेंगे सिर्फ अपने घड़ी को वेब करेंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा, वहाँ पर कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। दूसरा, यहाँ पर पिन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजेक्शन अप टू 2000, यानी कि 2000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन कॉन्टेक्टलेस में नहीं कर सकते। आपके ATM कार्ड भी होता है उसमें भी RBI की गाइडलाइंस आ गई कॉन्टेक्टलेस पेमेंट को सिक्योर बनाने के लिए, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन यहाँ पर 2000 का ही रखा गया, यानी 2000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं होगा। मीन्स आप कोई फ्यूल स्टेशन फ्यूल लेते हैं तो 2000 से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन वेब कर आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपने वॉच का यूज़ कर, तो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 2000 है। यहाँ परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं अपने टाइटन पे, मीन्स आपका घड़ी खो जाता है या फिर कहीं गिर जाता है तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से इंस्टेंटली उसे ब्लॉक कर सकते हैं कि कोई उसे ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए फीचर्स दिया गया कि हाईली सिक्योर है। अगर आपको लगता है कि मेरा घड़ी कहीं हिरा गया है, छूट गया, तो आप मोबाइल फ़ोन से टेम्प्रोरी ब्लॉक या फिर परमानेंटली ब्लॉक भी कर सकते हैं। इस फीचर्स का यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर कोई मोबाइल फ़ोन या बैटरी या पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ जैसे नॉर्मली आप घड़ी पहनते हैं अपने हाथ में वैसे ही आप पहनेंगे सिर्फ, और जहाँ पे आपको परचेज करना है यानी कि POS मशीन पर ट्रांजेक्शन करना, सिर्फ अपने वॉच को वेव करेंगे और ट्रांजेक्शन आपका हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप या कोई चार्जिंग पॉट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल जो घड़ी आप पहनते हैं वैसे ही रहेगा, कोई एक्स्ट्रा पिन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन में सेट किएंगे 5 ही ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 2 है, और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन इन ए डे का बात करें तो यहाँ पर आप 5 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं, और टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट जो एक दिन में होगा वो 10,000 ही होगा। तो 10,000 मैक्सिमम ट्रांजेक्शन, 2,000 करके 5 बार ही कर सकते हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी 5 ही है, उससे ज़्यादा आप नहीं कर पाएंगे एक दिन में इस फीचर्स का यूज़ कर। इसमें कोई पावर कंजप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पर कोई बैटरी वगैरह एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं, जैसे आप नॉर्मल वॉच को यूज़ करते हैं वैसे यूज़ करें, कोई एक्स्ट्रा चार्जिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर इंस्टेंट इनेबल और डिसेबल का फीचर्स मिलता है, मीन्स आप इंस्टेंटली इसे जब चाहें डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, टेम्प्रोली ये इनेबल डिसेबल होगा, जैसे आपको डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में स्विच ऑन और स्विच ऑफ का फीचर्स मिलता है, उसी तरह का फीचर्स ये है, जब चाहें टेम्प्रोली इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, जब भी आपको लगे कि मेरा अब ट्रांजेक्शन मुझे नहीं करना या फिर कहीं वॉच का यूज़ नहीं है 10-15 दिनों के लिए, कहीं छूट गया वगैरह, तो आप इसे टेम्प्रोली डिसेबल कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, सब चीज़ें दी गई तो ये सिक्योर भी है।
ये तो बात होगी इसके फीचर्स की। अब बात करते हैं अपने घड़ी को कैसे ट्रांजेक्शन करने के लिए एक्टिवेट करेंगे। सिंपल है, आपको योनो SBI एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करने लगा। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर है, पहले से ही डाउनलोड है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पहले से नेट बैंकिंग भी रजिस्टर्ड है तो योनो को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, वही यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। नेट बैंकिंग अगर आपका एक्टिवेट है तो वही यूज़र आईडी पासवर्ड से यहाँ पर योनो एप्लीकेशन खुल जाएगा। लॉगिन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर नीचे एक पेज मिलेगा, वहाँ पर जाना है। वहाँ पर आपको नीचे देख लेंगे योनो वेरिएबल लिखा हुआ होगा, तो योनो वेरिएबल पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं माई वेरिएबल डिवाइस करके आपको दिखने लगेगा। यहाँ पर जो वेरिएबल डिवाइस घड़ी बन के आपको दिख रहा है, नीचे आपको यहाँ पर सेविंग अकाउंट जो आपका होगा वो वहाँ पर शो करेगा, और नीचे लिखा हुआ लिंक योर वेरिएबल, मतलब अपने घड़ी को आपको कनेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन दिया जा रहा है। तो लिंक न्यू वेरिएबल पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यूनिक रेफरेंस नंबर मांगा जाएगा। तो ये रेफरेंस नंबर क्या होता है, तो आप जैसे ही इसके लिए जो वॉच करेंगे, टाइटन पे वॉच आपको खरीदना पड़ेगा इसको कनेक्ट करने के लिए। टाइटन के साथ टाइप किया गया और घड़ी कनेक्ट नहीं होगा। टाइटन का घड़ी में NFC पेमेंट सिस्टम दिया गया है, तो उसमें आपको यूनिक रेफरेंस नंबर आपको बॉक्स में मिलेगा जब से आप परचेस करते हैं। कैसे परचेस करना वो भी मैं बता देता हूँ, पहले इसे कनेक्ट करने का प्रोसेस आप देख लें। तो यहाँ पर यूनिक रेफरेंस नंबर आप दो बार डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको वेरिएबल डिवाइस का नाम दे देना, क्योंकि मैक्सिमम 3 वेरिएबल डिवाइस इसमें कनेक्ट कर, मीनिंग 3 घड़ी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट से। तो आप यहाँ पर नाम दे देंगे, उससे पता लगेगा कि कौन सा घड़ी कनेक्ट है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर यूनिक रेफरेंस सिंपल लिखने के बाद घड़ी का नाम लिख देंगे, उसके बाद अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका दो सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टिक कर लेंगे किस अकाउंट से आपको अपने घड़ी को कनेक्ट करना है। उसके बाद नीचे लिंक की ओर वेरिएबल को क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद किस तरीके से ऑप्शन आपको दिखेगा, माई वेरिएबल टाइटन पे करके कार्ड नंबर और वैलिडिटी यहाँ पर रहेगी। नीचे यहाँ पर इनेबल और डिसेबल का भी ऑप्शन दिखेगा कि आप जब चाहें इसे इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, यानी कि अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के यूज़ करके। मीन्स आपका कार्ड, आपका कभी घड़ी भूल जाते हैं कहीं, तो आप इसे इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद अब यहाँ पर आता है कि पेमेंट कैसे आप करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए देखिए, आपका जब कनेक्ट एक पर हो जाएगा तो आपको यहाँ पर POS मशीन दिखे। सिर्फ POS मशीन में आपको अपने घड़ी के पास वेव करना है एक तरीके से, जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है। इस तरीके से आप वेव करेंगे और आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर कुछ पिन वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। आप इसे जब चाहें ब्लॉक भी कर सकते हैं। जहाँ पर आपको दिखेगा टाइटन पे करके ऊपर 3-डॉट लाइन दिखेगा, उस लाइन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पर आपको परमानेंटली ब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा, कि घड़ी आपका कहीं खो जाता है तो उसे हमेशा के लिए आप ब्लॉक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो आप परमानेंटली ब्लॉक पर क्लिक करेंगे, ये आपका डिसेबल हो जाएगा, कोई ट्रांजेक्शन आपके घड़ी से फिर आगे नहीं हो पाएगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए सब फीचर्स दिए गए हैं। अब बात आते हैं इस घड़ी को आप खरीदेंगे कैसे। खरीदने के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन में आप दो ऑप्शंस मिलते हैं, आप योनो एप्लीकेशन के थ्रू भी परचेस कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर आप परचेस इजिली वहाँ से कर सकते हैं। नहीं तो आप टाइटन की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएंगे, वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं। इस डिवाइस की कीमत आप देख सकते हैं, इसमें 3-4 तरीके के डिवाइस बनाए गए। मिनिमम यहाँ पर 3000 तक का डिवाइस है जो कि आप ले सकते हैं, सब में कनेक्ट हो जाएगा। और ज़्यादा लेना चाहते हैं 3000-4000 तक का भी है तो वो भी ले सकते हैं। तो इसी वॉच को आप कनेक्ट करेंगे तभी आप जो है कॉन्टेक्टलेस वॉच का यूज़ कर आप पेमेंट कर पाएंगे। टाइटन पे इसका नाम, घड़ी का नाम दिया गया, तो सिर्फ ये वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। ऑफलाइन स्टोर पे आप टाइटन के जो शोरूम है वहाँ जाकर भी ले सकते हैं, टाइटन पे कर इसे आप कनेक्ट करके इजिली यूज़ कर पाएंगे। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत ही अच्छा फीचर्स हो जाएगा। सिक्योरिटी का भी इसमें ध्यान रखा गया, कॉन्टेक्टलेस आप इसे इनेबल डिसेबल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये आप लोग के लिए इजी एंड कन्वीनियंस एंड सिक्योर ऑप्शंस हो जाएगा। यहाँ पर कोई ATM कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं, रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर मोबाइल फ़ोन की भी ज़रूरत आपकी नहीं, सिर्फ आपका वॉच होना चाहिए। कोई भी टर्मिनल पर आप इजिली पेमेंट टैब एंड पे कर आप इजिली पेमेंट कर पाएंगे। ये एक अच्छा फीचर है SBI की तरफ से, और भी बैंकों को इस पर काम करना चाहिए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर, और कन्वीनियंस लोगों के लिए हो पाएगा। यहाँ पर घड़ी जो है थोड़ा ज़्यादा महंगा है, SBI ने लॉन्च किया है टाइटन के साथ, इसकी रेट कम रखनी चाहिए थी तो ज़्यादा लोग इसे खरीद पाते। मैंने भी सोचा था इसे परचेस करने का, लेकिन ये घड़ी उतना लुक वाइज उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर 3000 फंसाने से फ़ायदा नहीं। अगर आप लोग परचेस करना चाहते हैं, फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग सही है कि आप NFC इनेबल आपको मिल रहा है, कि आप पेमेंट करने के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर रेट कम होता तो ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा लोग के पास रीच पहुँचती है, ज़्यादा लोग इस फीचर्स का यूज़ करते हैं।